वेलकम टू निकिता कांबोज रेसिपी। आज हम बनाएंगे अंकुरित हरे मूंग के पैनकेक्स, जो आपको और आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे। अंकुरित हरे मूंग पैनकेक्स का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप अंकुरित हरे मूंग, नमक स्वाद अनुसार, कुटी काली मिर्च स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, पानी जरूरत के अनुसार, 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 हरी मिर्च। गार्निश के लिए चाहिए टमाटो केचप, चाट मसाला और हरी चटनी। पैनकेक सेकने के लिए 1 टीस्पून ऑयल या घी। एक मिक्सर जार में अंकुरित मूंग, अदरक पेस्ट, नमक, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, अंडा, बारीक कटा हरा धनिया, मैदा और जरूरत के अनुसार पानी डालकर ब्लेंड कर ले। ब्लेंड करने के बाद हम बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे और एक बाउल में अपने पैनकेक बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। पैनकेक्स बनाने के लिए पैन को हल्का गर्म कर ले, घी या ऑयल से ब्रश कर ले। अब एक बड़ा चम्मच तैयार बैटर डालें और धीमी आंच पर सेक लें। बारीक कटा धनिया स्प्रिंकल कर दें। 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद बुलबुले आने पर ऑयल स्प्रिंकल करें और 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी पकाएं। अब एक प्लेट में निकालें और टमाटो केचप, हरी चटनी, चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।